प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस। एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में लिए, वो मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन में है उनमें से एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ये रैंडम मोशन में एक्स वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, तो इस वेलोसिटी के कुल मिला के तीन कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस में वी एक्स, एक वाई एक्सिस में वी वाई और एक जेड एक्सिस में वी जेड। तो इसके तीन कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि रैंडम मोशन में थ्री डी में मूव कर रहा है। ये मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं दीवार पे टक्कर मारेंगे तो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट लगाएंगे, क्यों, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो हर मॉलिक्यूल की क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है, हर मॉलिक्यूल की फोर्स लगाई दीवार पे डिफरेंट है, हर मॉलिक्यूल का प्रेशर डिफरेंट है। अब हम लाखों मॉलिक्यूल का लाखों प्रेशर तो निकाल नहीं सकते, हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रेशर, हम एवरेज कर देंगे और ये मानते हैं मॉलिक्यूल का सभी मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एक जैसा होता है, एवरेज होता है। तो क्या टॉपिक का नाम है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, क्या एवरेज प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, एक ही बात है। तो ये आपने मॉलिक्यूल लिया, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंटेनर का रादर, इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंटेनर का ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। हम इमेजिन करते हैं कि मॉलिक्यूल क्योंकि हर तरफ मूव कर रहे हैं, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तो हम एक एक करके मोशन लेते हैं, पहले मोशन लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, फिर मोशन लेंगे अलोंग वाई एक्सिस और फिर लेंगे अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के, जब एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स की ही बात करनी है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, इस मॉलिक्यूल की एम वी एक्स है, मॉलिक्यूल का मास एम है, तो मान लो मॉलिक्यूल यहां से यहां आने में कितना समय लेता है, डेल्टा टी। मॉलिक्यूल की एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स, तो दूरी कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया डेल्टा टी टाइम में। एरिया ए है, तो अगर मैं पूछूं इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए को मल्टीप्लाई करना है हमने इस डिस्टेंस के साथ, और ये डिस्टेंस कितना है, वी एक्स इंटू डेल्टा टी, तो ये क्या आ गया, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें, तो वॉल्यूम क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस, ठीक है यहां तक। तो अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक कंटेनर के अंदर कोई भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है, उनमें से एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी भी तीन कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसने इतनी दूरी कवर की, वॉल्यूम हमने निकाल लिया एरिया इंटू डिस्टेंस। मान लेते हैं स्मॉल एन का मतलब, अंडरलाइन करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो छोटा एन का मतलब यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, छोटे एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो छोटे एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एरिया और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं पूछूं कि वॉल्यूम कितना है इस कंटेनर का, तो ए इंटू क्या आएगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। और अगर मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो एन को वॉल्यूम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है एरिया, नहीं एन का मतलब एन, वॉल्यूम का मतलब क्या है, एरिया इंटू वी एक्स इंटू कितना, डेल्टा टी, ये क्या आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गई, कोई डाउट इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आ गई इसमें। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स राइट पे जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और कुछ लेफ्ट में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, कौन कितना कहां जा रहा है मुझे मालूम नहीं, पर हां इतना पता है एक्स के अलोंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। हम क्योंकि एवरेज में काम कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इनमें से आधे मॉलिक्यूल्स यानी कि एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टू, आधे मॉलिक्यूल्स राइट पे जा रहे हैं तो आधे मॉलिक्यूल्स लेफ्ट पे जा रहे हैं, एवरेज तो करना पड़ेगा, रियलिटी में मुझे पता नहीं कि कौन कहां जा रहा है, लाखों मॉलिक्यूल मुझे क्या पता कोई कैसे जा रहे हैं, तो हम ये मानते हैं जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से 50% मॉलिक्यूल्स राइट जा रहे हैं तो 50% मॉलिक्यूल्स लेफ्ट जा रहे हैं, तो आधे मॉलिक्यूल्स ले लिए हम, मान लो इस फेस की बात कर लेते हैं सिर्फ, तो जो यहां हो रहा है यहां भी सेम ही होगा इसमें भी, तो एक मॉलिक्यूल जो यहां पे आएगा उसका मोमेंटम क्या है, इतना मोमेंटम है, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू उसकी वेलोसिटी वी एक्स, टक्कर खाने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, माइनस एम इंटू वी एक्स, एनर्जी लॉस तो है नहीं, तो एम इंटू वी एक्स माइनस एम इंटू वी एक्स,
तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम px की वैल्यू कितनी है, माइनस टू इंटू एम इंटू कितना vx। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, माइनस टू इंटू एम इंटू vx। अब मुझे पता है कि कितने मॉलिक्यूल x के अलोंग जा रहे हैं, इतने। तो इन सभी का चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतना है, इतने मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले यहां तक देखते हैं, तो आपके असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है, एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, वेलोसिटी हमें पता है रैंडम मोशन में अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके ये टर्म आ गई। एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम इतना है, टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम इतना है, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतना है, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल इतना है, यहां करेक्शन करो, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहां करेक्शन होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम है। ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें से पॉजिटिव एक्स की तरफ कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, इसको हाफ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इतने मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, कोई डाउट इसमें, ये भी क्लियर है? तो इतने मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं। अब एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम कितना है, इतने, आधे मॉलिक्यूल जो एक्स में जा रहे हैं वो इतने हैं, उन सब का चेंज इन मोमेंटम कितना है, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, टू से टू कैंसिल, तो ये टर्म डेल्टा पी एक्स आ गई। डेल्टा पी एक्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? बार इसलिए लगाया है क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है, वैसे वेलोसिटी हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है, पर एवरेज के साथ काम कर रहे हैं तो बार लगा दिया। तो ये चेंज इन मोमेंटम एक्स के अलोंग आया। अगर मैं कहूं फोर्स निकालो, तो डेल्टा पी एक्स बाय डेल्टा टी एवरेज फोर्स है जो मॉलिक्यूल लगाएंगे, तो डेल्टा पी एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो ये टर्म कैंसिल होगी, तो क्या आ गया, ये टर्म आ गई, तो ये क्या आ गया मेरे पास, फोर्स की वैल्यू आ गई जो दीवार ने लगाई मॉलिक्यूल्स पे, दीवार ने लगाई मॉलिक्यूल्स पे, तभी तो मॉलिक्यूल्स ने अपने डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज। तो फिर मॉलिक्यूल्स ने क्या फोर्स लगाई होगी, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर दीवार ने इतनी फोर्स लगाई तो मॉलिक्यूल्स ने पॉजिटिव फोर्स लगाई, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स ने दीवार पे इतनी फोर्स लगाई तो प्रेशर कितना लगाया, इसको एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया से एरिया कैंसिल, तो प्रेशर आ गया जो मॉलिक्यूल ने एक्स की दीवार पे लगाया, एक्स के लॉन्ग कंटेनर की वॉल पे लगाया। क्लियर हो गया यहां तक? सिमिलरली, सिमिल करना नहीं है, सिमिलरली वी एक्स की जगह जब वी वाई करेंगे तो प्रेशर वाई का आ जाएगा, और सिमिलरली जेड का भी आ जाएगा। अब एक्स का प्रेशर अलग हो सकता है, वाई का अलग, जेड का अलग हो सकता है, हमने एवरेज प्रेशर निकालना है इस टॉपिक में, कंटेनर की वॉल्स पे एवरेज प्रेशर क्या लगा मॉलिक्यूल्स का, तीनों को लो और डिवाइड बाय थ्री कर दो, तो एक्स का प्रेशर, वाई का प्रेशर और जेड का प्रेशर हमारे पास है, एम इंटू एन कॉमन बाहर आ गया, इसकी वैल्यू नेट वेलोसिटी वी स्क्वायर पुट कर दी, और एम इंटू एन टर्म क्या है, ये देखो एम इंटू एन, एम का मतलब क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, टोटल मास है अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ गैस, तो गैस की डेंसिटी आ गई, तो इसका मतलब m इनटू n की जगह क्या रिप्लेस किया जा सकता है, डेंसिटी। तो फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला बुक में नोट करो, एवरेज प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर पे लगाएंगे, चाहे एक्स में चाहे वाई में चाहे जेड में, उसका फॉर्मूला वन बाई थ्री इंटू रो वी स्क्वायर होगा, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जिसकी एवरेज वेलोसिटी मानी जाएगी। तो इसके अंदर पहला स्टेप हमने क्या किया, पहले स्टेप में चार स्टेप में डेरिवेशन खत्म है, लिखा लंबा हुआ है वो अलग बात है, तो पहले स्टेप में ये किया हमने, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस की बात की, तो एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम क्या है, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम अगर कैलकुलेट करना है तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस किया तो एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे,
एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके टोटल चेंज आ गया। प्रॉब्लम यह है कि इनमें से आधे मॉलिक्यूल एक्स की तरफ जा रहे हैं और आधे नेगेटिव एक्स की तरफ, तो हाफ से डिवाइड कर लिया, तो ये मेरे पास एक्स में टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं, एन और वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी, तो टू से टू क्या हो गया, कैंसल। तो ये चेंज इन मोमेंटम दीवार ने क्रिएट किया, तो ऑब्वियसली उसने मॉलिक्यूल ने कितना क्रिएट किया, इसका पॉजिटिव ले लिया, तो प्लस एम वी एक्स का स्क्वायर एन ए इंटू डेल्टा टी। और ऐसे ही ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या दे रही है आपको, टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू आ गई, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा, तो प्रेशर एक्स में आएगा, है ना, यहाँ से प्रेशर आ जाएगा एक्स में। इसको डिवाइड कर लेंगे एन ए एम इंटू वी एक्स स्क्वायर को एरिया से, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये टर्म आ जाएगी, तो प्रेशर की वैल्यू एम इंटू एन इंटू वी एक्स स्क्वायर आ गया। फिर सिमिलरली लिख लेना है, वाई में जो प्रेशर है वो इसके इक्वल है, जेड में जो प्रेशर है वो इसके इक्वल है, एवरेज प्रेशर क्या है, 1/3 पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, एवरेज प्रेशर आएगा। एवरेज प्रेशर में इनको पुट करते हैं पी एक्स की जगह एम इंटू एन इंटू वी एक्स का स्क्वायर एम इंटू एन इंटू वी वाई का स्क्वायर एम इंटू एन इंटू वी जेड का स्क्वायर, ये लो ये मैंने पुट किया, तो 1/3 एम इंटू एन बाहर आ गया, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर वी स्क्वायर है, और एम इंटू एन का मतलब होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू वी का स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा। तो ये आपने याद करना है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस या एवरेज प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस इसके इक्वल है।